दोस्तों नमस्कार, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हो जाओ तैयार, अब दोस्तों युद्ध की बारी है। आपको अब युद्ध के मैदान में, खेल के मैदान में लड़ना है, अच्छा खेलना है और इसमें अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। दोस्तों इसी कड़ी में दोस्तों आज आपके सामने मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आपके लिए हम रात में दोस्तों यहाँ पर देखो क्या क्या काम कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी क्लास ये होने वाली है, तो दोस्तों सभी लोग हैं वो लाइव आ जाएँ और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दें। अपने जो दोस्त हैं उनके पास में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों आपके पास में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों ये प्रश्न पहला मैंने, आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित दोस्तों प्रश्न लिया है, क्योंकि दोस्तों ये सुर्खियों में है। क्या है दोस्तों सुर्खियों में? सुर्खियों का मतलब क्या है, क्योंकि ये अभी चर्चा में है, ये अभी चर्चा का विषय बन गया है फिटनेस प्रमाण पत्र। दोस्तों हाल ही में दोस्तों इसका एक नया आदेश है मोर्थ ने निकाला है। किसने निकाला है? मोर्थ डिपार्टमेंट ने इसका एक नया आदेश निकाला है। तुरंत मैंने दोस्तों आप सभी को अपडेट दे दी है, वीडियो आपको यूट्यूब पर इसका कंप्लीट जो है क्लास का मिल गया है। इसका प्रश्न मैंने टेलीग्राम क्विज पर मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो हमें बता देता हूँ, टेलीग्राम क्विज पर दोस्तों, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर दोस्तों आपको लगातार है ड्राइवर की बेस्ट क्विज है वो डेली फ्री में दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस लिंक के माध्यम से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई टेलीग्राम की बात। तो टेलीग्राम पर भी दोस्तों जो प्रश्न नए होते हैं, जो अपडेटेड प्रश्न होते हैं, दोस्तों सबसे बेहतरीन तैयारी हम टेलीग्राम के माध्यम से करवाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी छोटी सी अपडेट होती है तो भी दोस्तों हम उसको पर्सन क्विज के माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुंचा देते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारे साथ में जुड़कर बेहतरीन तैयारी करनी है तो दोस्तों आपको टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक परिवहन वाहन को 2018 में खरीदा गया था, वाहन मालिक 2022 में फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाता है, तो इसकी वैधता कितनी होगी या अवधि कितनी होगी? 15 साल, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। तो दोस्तों 15 वर्ष भी हमें कुछ जो फिटनेस की देखने को मिलती है, 2 वर्ष भी है, 1 वर्ष भी है, 6 माह तो दोस्तों नहीं होती, लेकिन ये तीनों के तीनों है वो काफ़ी अच्छे ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर परिवहन वाहन की बात हुई है, परिवहन वाहन के बारे में जो नया रूल है उसके बारे में बता देता हूँ। पहले इसका रूल था कि जो परिवहन वाहन है, जिसे मैं इसको सी के नाम से, कॉमर्शियल व्हीकल के नाम से बताऊंगा, या टी सी या टी यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, दोनों के नाम से आप पहचान सकते हैं, इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता था उसका दोस्तों नए वाहन के लिए, न्यू व्हीकल है तो दोस्तों 2 साल के लिए इसका जारी होता था, और उसके बाद में दोस्तों प्रत्येक 1 साल के लिए वो आपका फिटनेस प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका दोस्तों सी यानी कि कॉमर्शियल या टी एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट नए व्हीकल का 2 साल के लिए, उसके बाद में प्रत्येक 1 साल के लिए जारी होता था। अब ये था आ गया है, यानी कि इसमें बदलाव आ गया है। दोस्तों मोर्थ यानी कि MORTH मोर्थ ने दोस्तों यहाँ पर एक नया आदेश जारी कर दिया है मई 2022 में, 5वां महीना 2022 में दोस्तों एक नया आदेश जारी कर दिया है, और उसमें यह बताया गया है कि दोस्तों आपका जो परिवहन वाहन का लाइसेंस होगा, सॉरी वाहन होगा, उसका फिटनेस प्रमाण पत्र दोस्तों 2 साल के लिए वैध होगा। तो आप कहोगे सर ये तो अब आपने बताया, भी पहले भी था, इसमें नया क्या है? अब नया ये है कि नए व्हीकल के लिए दोस्तों इतने दिन क्या है, 2 साल के लिए फिटनेस जारी होता था, लेकिन अब ये दो दो के जोड़े में चार बार होगा, यानी प्रथम 2 साल में भी होगा, तीसरे चौथे साल में भी 2 साल के लिए, पांचवें छठे में भी 2 साल के लिए, सातवें आठवें के लिए भी 2 साल के लिए। 8 साल का व्हीकल पुराना नहीं होगा, तब तक दोस्तों यहाँ पर आपको है 2 साल का फिटनेस प्रमाण पत्र देखने को है वो मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो आप इस सवाल का जो जवाब है कमेंट सेक्शन में बताएं अब क्या होगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ, निजी वाहन जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं, दोस्तों आप सभी को पता है प्राइवेट व्हीकल की RC की बात करें, टैक्स की बात करें या फिटनेस की बात करें, तो ये तीनों ही दोस्तों क्या होते हैं, 15 साल के लिए जारी होते हैं, और उसके बाद में प्रत्येक पाँच साल के लिए जारी किए जाते हैं, या जब तक कि व्हीकल है चलने के योग्य होता है तब तक के लिए ये जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो आपको ये ध्यान में है वो रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लेंगे, मुझे पूरा पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी कंटेंट्स आपको ड्राइवर के संबंध में,
कंप्लीट जो हमारा जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बेस्ट बुक भी प्राप्त होती है, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज है वो भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको ओल्ड भर्तियों की जो पुरानी ड्राइवर भर्तियों के पेपर है वो भी दोस्तों यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, और डेली टेस्ट यहाँ पर हम लेते हैं तो डेली टेस्ट भी आप ज्वाइन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो है कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एक दोस्तों आप केवल बुक भी ले सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर कोर्स में जाना है, कोर्स में जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे कोर्स के बारे में बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। दोस्तों मैं स्वयं वहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपका मैं करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर के नाम से कंप्लीट कोर्स हमने बना रखा है। कंप्लीट कॉम्बो कोर्स ऑफर अभी चल रहा है, जिसमें आपको 100 पेपर मिलेंगे, 2000 प्लस 2000 4000 एमसीक्यू मिलेंगे, आपकी फुल टेस्ट सीरीज इसके साथ में मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट डेली आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस की वीडियो क्लास मिलेगी, और क्लास वाइज पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। कंप्लीट कॉम्बो कोर्स दोस्तों ये है, और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ही कम प्राइस इसकी रखी गई है, एकदम गारंटेड बैच है दोस्तों। क्या है? गारंटेड बैच है, बेस्ट प्राइस है, 100% आपको गारंटी है वो दी जाती है, यहीं से सब कुछ आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बात करता हूँ मैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका कोर्स होने वाला है, कोर्स दोस्तों 499 का दोस्तों कोर्स है, लेकिन आपको अभी है मात्र 399 रुपये में दिया जा रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं। कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है, अगर ये आपने ले लिया तो आपको स्टडी एट होम से, यानी कि इस एप्लीकेशन से कुछ भी अलग से लेने की है वो दोस्तों आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर कोई शंका है, आपको समस्या आ रही है, सुझाव चाहिए, तो आपको दोस्तों 8764188848 इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अपना सवाल, अपनी समस्या, अपना डाउट है वो सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न। दोस्तों इसके अलावा फिटनेस से संबंधित आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों एक पूछा जा सकता है फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर, फॉरम नंबर 38 काम में आता है। कौन सा आता है? फॉरम नंबर 38 काम में आता है। धारा पूछ ली मोटर व्हीकल एक्ट में, इसमें किस धारा में इसका उल्लेख है? तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 56 में इसका उल्लेख है, उल्लंघन करने पर धारा 90 का उल्लंघन माना जाता है, तो इसके तहत आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहां से पूछ सकता है फिटनेस प्रमाण पत्र में कि ये कहां लगाया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है विंड स्क्रीन, यानी कि सामने की स्क्रीन है, वहां पर इसका लोगो लगाया जाता है। अब ये लोगो के बारे में पूछा जा सकता है, इसका कलर कैसे होता है? तो दोस्तों इसका कलर, जैसा कि इसमें आपको पढ़ा रहा हूं, इस बोर्ड का कलर है, यानी कि नीला कलर होगा। कैसा कलर होगा दोस्तों? इसका नीला कलर होगा। किसका दोस्तों? इसका जो आपका फिटनेस प्रमाण पत्र होगा, इसका कलर है वो नीला होगा। ये पेन कैसे चलता देखें, चलो इसको काम में लेते हैं आज। दोस्तों आपका जो है इसका नीला कलर होने वाला है, कि इसका फिटनेस प्रमाण पत्र का नीला कलर होगा, और दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि है इस ये नीली होगी। दोस्तों कलर तो नीला हो जाएगा, कैसा? जैसा कि ये बोर्ड दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर लेटर होंगे वो दोस्तों येलो कलर में होंगे, यानी कि पीले कलर में होंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस पर जो लिखा गया होगा वो तो येलो कलर में होगा, और दोस्तों जो इसकी पृष्ठभूमि होगी लोगों की वो नीले कलर की होगी, जैसा कि इस बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं, चलो मैं बता देता हूँ, नीला कलर, ये नीला कलर है दोस्तों, देखो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये नीला कलर है, इस प्रकार का कलर आपके वहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो फिटनेस जो प्रमाण पत्र के लिए लोगो होता है, लोगो इसका बैकग्राउंड पूछे, बैकग्राउंड पूछे तो दोस्तों नीला हो जाएगा। बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा दोस्तों? नीला हो जाएगा, और वो अक्षर होंगे वो दोस्तों वर्ड है वो होंगे दोस्तों येलो कलर में, यानी कि पीले कलर में। तो ये आपको ध्यान में, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। का प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है स्क्रीन पर, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रश्न है, स्थायी रूप से निवास स्थान का पता एक से दूसरी जगह बदलने की स्थिति में आपको कितने दिनों के अंदर आरटीओ को सूचित करना अनिवार्य होगा? नंबर एक ऑप्शन है 30 दिन, नंबर दो 12 महीने, 90 दिन और 6 माह। सभी फैक्ट है, किसी न किसी मतलब की फैक्ट को इंडिकेट करते हैं, तो आपको ध्यान से इसका जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका जवाब बताएंगे, कोई समस्या आ रही तो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जो फैक्ट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में जो दोस्तों आपका निवास स्थान बदलने की बात की गई है, तो यहाँ पर स्थायी रूप से बदलने की बात की गई है। तो यहाँ पर मैं एक फैक्ट बताता हूँ, सबसे पहले आपको याद रखना है, आप लिख भी लेना इनको,
स्थायी रूप से अगर आप कहीं जाकर बस जाते हैं तो आपको इसकी सूचना 30 दिनों के अंदर देनी होती है। कितने दिनों के? 30 दिनों के अंदर। अगर आप किसी स्थान पर अस्थायी रूप से जाते हैं तो आप वहाँ पर अस्थायी रूप से 6 माह तक अपने वाहन का प्रयोग है वो कर सकते हैं। जैसे जयपुर से अजमेर आप अस्थायी रूप से जाते हैं तो 6 माह की वैलिडिटी आपको मिलती है। अगर आप किसी अदर स्टेट में OS यानी कि अदर स्टेट में अपने व्हीकल को ले जाते हैं तो आपको 12 माह तक रुकने की है वहाँ पर परमिशन मिलती है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। 30 दिन किसका है? स्थायी रूप से स्थान परिवर्तन करना, अस्थायी रूप से स्थान परिवर्तन 6 माह हो जाएगी, और अदर स्टेट में अगर आप जाते हैं तो दोस्तों 12 माह की वैलिडिटी आपके रहती है, तब तक आप अपने वाहन का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक वैलिडिटी आती है 60 दिन की, यानी कि आप जो अपनी RC होती है, आप अपना RC होता है इसको रीन्यू करवाते हैं दोस्तों, रीन्यू करवाते हैं। यानी कि जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मेरा लाइसेंस सॉरी आरसी मेरा आरसी आज हो गई है कितनी, आज हो गई है 15 जुलाई दोस्तों 2022 हो चुकी है। अगर मेरा जो RC है वो 15/9/2022 को एक्सपायर हो रहा है तो क्या मैं इस 15 को करवा सकता हूँ? दोस्तों इससे पहले नहीं करवा सकता, यानी कि ठीक इस तारीख से 2 माह एडवांस में मैं RC को रिन्यू करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा रिन्यू नहीं करवा सकता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये 60 दिन का फैक्ट है। 30 दिन का तो आ गया, यानी कि आप स्थायी रूप से स्थान परिवर्तन करते हैं, आपके 6 माह आ जाता है, 6 मंथ यानी कि आप अस्थायी रूप से कहीं जाते हैं, 12 मंथ दोस्तों आ जाता है यानी कि आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, 60 दिन दोस्तों आ जाते हैं यानी आप एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन RC समाप्त हो चुकी है दोस्तों, RC समाप्त हो चुकी है तो दोस्तों आपको कितने दिन की छूट मिलती है RC को रिन्यू करवाने के लिए? आपकी RC एक्सपायर हो चुकी है, माना कि आज 15 जुलाई 2022 है और आज ही के दिन आपके वाहन का RC समाप्त हो चुका है, तो दोस्तों अब आपको कितने दिन का समय है वो RC को रिन्यू करवाने के लिए मिला, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब बताएं कि भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। यानी कि RC खत्म हो चुकी है, RC मतलब कि एक्सपायर हो चुकी है, इसको रिन्यू करवाने के लिए आपको अब कितने दिन का टाइम है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का मैं जवाब बता देता हूँ, इस प्रश्न का जवाब होगा 0 दिन। आपको एक भी दिन का टाइम है RC समाप्त होने के बाद में नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आपकी जो RC है सभी वाहनों के लिए प्रथम बार में 15 साल के लिए जारी की जाती है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। एक यहाँ पर आता है RC को ट्रांसफ़र करने के मामले में, RC अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के मामले में दोस्तों दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन है कि आप इसका मतलब इस वाहन का है प्रयोग कर सकते हैं 3 माह तक। कब तक कर सकते हैं? 3 माह तक, लेकिन आपको सूचना देनी होगी 1 माह में। दो बातें, और आपको आवेदन कंप्लीट सी यानी कंप्लीट करवाना पड़ेगा 3 माह में। आपको इसका जो नामांकन है, नाम हस्तांतरण है, इसका जो मालिकाना हक है उसे आपको ट्रांसफ़र करवाना ही होगा। कितने दिनों में? 3 माह में। लेकिन आप इसे दोस्तों 1 माह के अंदर अंदर मृत्यु हुए व्यक्ति की और जो व्यक्ति इस वाहन को रख रहा है उसकी बारे में जो सूचना है दोस्तों आप RTO कार्यालय में 30 दिनों के भीतर है वो देंगे। ये तो हो गई मृत्यु की स्थिति में। दोस्तों अगर आप अपने वाहन को बेचते हैं, बेचना यानी कि अगर आप अपने वाहन को बेच देते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो है स्टेट में, अगर खुद के राज्य में बेचते हैं तो दोस्तों 14 दिन का टाइम मिलता है कि आप उसका नाम है वो ट्रांसफ़र करवा दें, और अगर दूसरे राज्य में बेचते हैं तो आपको 45 दिन का टाइम है यहाँ पर मिलता है। लेकिन एक और कंडीशन बनती है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने अपने वाहन को नीलामी में खरीदा है, नीलामी में, तो दोस्तों यहाँ पर एक अलग ही वैलिडिटी आती है जो कि होती है 30 दिनों की। तो यानी कि हमने 14 दिन तो दिए राज्य में बेचने पर, दूसरे राज्य में बेचने पर दिए 45 दिन, लेकिन नीलामी के मामले में दिए 30 दिन। तो ये 30, 14 और 45, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर याद है वो रखने हैं। मैं बता देता हूँ RC के बारे में। RC है दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39 के तहत प्रत्येक वाहन की होना जरूरी है। फॉर्म जो आपका धारा 41 है, इसके तहत दोस्तों आपकी डुप्लीकेट RC के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अगर आपका RC खो गया है तो भी आप दोबारा से बनवा सकते हैं। RC के बारे में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर फॉर्म नंबर की पूछे हैं कि भी आपका आवेदन फॉर्म किस में होता है, तो RC के लिए फॉर्म नंबर 20 दोस्तों आवेदन के लिए होता है, फॉर्म नंबर 21 दोस्तों बिक्री के लिए होता है, फॉर्म नंबर 22 है किसी वाहन को सड़क पर चलने के योग्यता को दर्शाता है, फॉर्म नंबर 23 में दोस्तों आपकी RC को जारी किया जाता है, फॉर्म नंबर 24 में दोस्तों 24 इंपोर्टेंट नहीं है, 25 में दोस्तों रिन्यू किया जाता है, और 26 में दोस्तों डुप्लीकेट RC के लिए अप्लाई किया जाता है, 27 में दोस्तों आपके वाहन का असाइनमेंट के लिए दोस्तों यहां पर आवेदन करते हैं, फॉर्म नंबर 34
HP एंडोर्समेंट यानी कि आप हाइथोपेकेशन यानी कि आप अगर अपने वाहन को गिरवी रखते हैं तो फॉर्म नंबर 34 में भरा जाता है और 35 में इस समझौते को जो कि 34 के तहत समझौता किया जाता है, इस समझौते को समाप्त करने के लिए आवेदन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक फॉर्म मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है मैंने छोड़ दिया है, फॉर्म नंबर 28 अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC के लिए दोस्तों आप आवेदन है वो कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा फॉर्म नंबर 29 है वो स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना इसमें भरकर दी जाती है, जबकि स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन है फॉर्म नंबर 30 में किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद है वो रखनी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 हमारा है, देखते हैं ध्यान से। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष है और आप हल्का मोटर वाहन लाइसेंस बनवा लेते हैं तो उसकी अवधि कितनी रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपकी उम्र 45 वर्ष है तो आप हल्का मोटर वाहन लाइसेंस बना लेते हैं तो इसकी अवधि होगी, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताना है, देखें कितने लोग इसको सही कर देते हैं। दोस्तों जो मैंने टेलीग्राम पे दिया था इस प्रश्न को मैं दे चुका हूँ पहले, उस पर तो दोस्तों कई दोस्तों ने लगभग 15-20% लोगों ने ही इस प्रश्न का सही जवाब है वो दिया था, बाकी सभी ने इस प्रश्न का जवाब है वो गलत कर दिया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको ध्यान से इस प्रश्न का जवाब है वो देना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 10 वर्ष या 55 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 55 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, 10 वर्ष या 50 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर डी है 10 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष। अभी 10 वर्ष कैसे होता है दोस्तों इसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक खाली स्लाइड लेता हूँ। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो आपका जो लाइसेंस बनाया जाएगा वो 20 साल या आपकी उम्र 40 वर्ष होने तक के लिए दोस्तों जारी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी उम्र 30 से लेकर 50 के बीच में है तो दोस्तों आपके लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष रहेगी। अगर 50 से 55 के बीच में आप आवेदन करते हैं, 50 से 55 के बीच में, तो दोस्तों ये आपकी 60 वर्ष की उम्र होने तक दोस्तों ये वैलिड रहेगा। अगर 55 से 60 के बीच में आप अगर लाइट मोटर बाइक लाइसेंस बनाते हैं तो लाइसेंस की अवधि 5 साल है वो रहने वाली है, ठीक है, 5 साल या वर्ष तक। इस प्रकार से मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रेड कलर से फिर से बता देता हूँ। अब आप क्या देखते हैं, 18 से 30 है यानी कि आप अगर 25 साल की उम्र में आवेदन करते हैं तो 25 प्लस 20 तो 45 हो जाते हैं, लेकिन ये 40 साल की उम्र में ही क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप 29 साल यानी कि 29 की एज में आप अगर लाइसेंस बनवाते हैं तो यानी कि 20 जोड़े तो 49 होते हैं, लेकिन 40 साल की उम्र में यानी कि मात्र 11 साल रहकर दोस्तों एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि या तो 20 साल हो जाएगी या 40 वर्ष की उम्र होने तक। यानी कि अगर 18 साल का व्यक्ति कोई लाइसेंस बनाता है तो दोस्तों उसका लाइसेंस मैक्सिमम है वो दोस्तों आपका 20 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन आपकी उम्र 40 वर्ष की होने तक है वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। 40 साल की उम्र में अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अवधि है वो लाइट मोटर बाइक लाइसेंस की 20 साल होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम लाइट मोटर बाइक लाइसेंस की अवधि हो सकती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 30 से 50। अब मैंने अभी कहा था 18 से 30, 29 साल की अगर आप लाइसेंस बनाते हैं तो आपका 10 साल सॉरी कब तक रिन्यू रहेगा ये सॉरी मतलब कि प्रचलन में रहेगा ये 40 साल तक यानी कि 29 से 40 यानी कि 11 साल रहेगा, लेकिन आप 30 साल के होकर बनाते हैं तो दोस्तों इसकी वैलिडिटी 10 वर्ष हो जाती है यानी कि 30 के बनाते हो तो 40 तक हो जाएगी, 35 के बनाते हो तो 45 तक हो जाएगी, और 45 के बनाते हो तो दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। अब आप एक बात बताएं, अगर आपने 49 की एज में बनाया, 49 की एज में आपने लाइसेंस बनाया तो कब तक वैलिड रहेगा, 59 की एज में। अब दोस्तों 59 आप देख सकते हैं कि 50 से 55 वालों का दोस्तों कहाँ तक रहता है, वो भी दोस्तों 60 साल तक रहता है, यानी कि इससे कम ही रह रहा है वो, ठीक है। तो जैसे ही 50 साल आपकी उम्र हो जाती है और आप इसके बाद में अगर आप ये बनाते हैं तो दोस्तों आपका जो लाइसेंस है वो 60। अब इसमें आप कहोगे भी 30 से 50 और 50 से 55 वाले में अंतर क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप माना कि 48 यानी 48 साल की उम्र में लाइसेंस बनाते हैं तो इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 10 साल रहेगी, यानी कि 58 वर्ष तक रहेगी, लेकिन आप 50 से 55 के बीच में बनाते हैं तो आपका लाइसेंस 60 साल की उम्र तक रहेगा, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट बताता है कौन, 50 से 55 वाला, लेकिन 30 से 50 के बीच वाला जो है अवधि दोस्तों ये फिक्स अवधि बताता है कि 10 साल तक रहेगा, लेकिन 50 से 55 वाला बता रहा है 60 साल तक वैलिड है वो रहेगा। तो इनमें दोस्तों यही अंतर है, 55 से 60 की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका 5 साल के लिए वैलिड रहता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि भी किस प्रकार से क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर 18 से 30 की, 18 से 30 में
आप समझ गए कि यहाँ पर 40 साल या मैक्सिमम 20 साल तक, आपने समझ लिया कि भी 30 से 50 के बीच में अगर बनाते हैं तो मात्र 10 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। अगर 50 या 55 है तो दोस्तों आपने समझ लिया कि दोस्तों इसकी वैलिडिटी है वो 60 साल की उम्र होने तक रहेगा। और दोस्तों 55 से 60 के बीच में आवेदन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका है वो 5 वर्ष के लिए दोस्तों लाइसेंस है वैलिड रहने वाला है। दोस्तों इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर आपकी उम्र 40 हो चुकी है और आप LMB लाइसेंस भी बनाते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों एक नया अमेंडमेंट आ चुका है जिसकी खबर मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों ये था तीसरा प्रश्न, इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 वर्ष। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस प्रश्न का देखते हैं जवाब किस प्रकार से देते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। टायर मार्किंग में 185/65 R16 के संबंध में गलत कथन को चुने, आपको गलत कथन बताना है। नंबर एक, टायर की चौड़ाई 185 सेंटीमीटर है, टायर की चौड़ाई 185 सेंटीमीटर है, टायर की विड्थ 185 सॉरी दोस्तों मैंने गलत बता दिया है, यानी कि टायर की चौड़ाई 185 mm है, टायर की विड्थ 185 सेंटीमीटर है, 185 का 65% टायर का हाइट है और टायर का अंदरूनी डायमीटर 16 इंच है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको कुछ ही चीज़ें हैं आपको ये ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज़ें किस सेक्शन मतलब कि किस मानक में आती है, किस मतलब कि जो मानक है उसमें गिनी जाती है, जैसे इंच है, सेंटीमीटर है, mm है, फुट है, मीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ये पहले आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, इसके बारे में मैं आपको इसकी डेफिनेशन है पूरी देने का प्रयास है वो करूँगा। तो दोस्तों आपका कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि इस प्रश्न का सही जवाब वो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न के बारे में बता देता हूँ मैं, पहली बात आपको अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपकी चौड़ाई mm में आ सकती है, ठीक है। अगर आपकी दोस्तों यहाँ पर बात करें किसकी, डायामीटर की, डायामीटर की बात करें तो दोस्तों डायामीटर हमेशा इंच में आएगा, किस में आएगा, इंच में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दोस्तों माप नहीं आएगा, इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भी टायर की विड्थ है वो 185 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पहला सेंटेंस क्या कहता है, टायर की चौड़ाई, टायर की चौड़ाई 185 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है, जो कि शोल्डर से शोल्डर तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों, शोल्डर टू शोल्डर तक दोस्तों इसकी जो है चौड़ाई होती है। अब ये शोल्डर क्या होता है दोस्तों, शोल्डर होता है दोस्तों माना कि ये आपका टायर है, ये दोस्तों आपका टायर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो इसका शोल्डर होता है यानी कि दीवार इसकी होती है, ये इसकी दीवार है दोस्तों, ये इसका शोल्डर होता है। तो दोनों साइड में इस साइड से देखो आप यहाँ देख सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये जो दूरी है दोस्तों, इस दूरी को दोस्तों क्या कहा जाता है, विड्थ कहा जाता है। जो टायर का जो वह सरफेस जो रोड पर मतलब कि फ्रिक्शन करता है यानी कि घर्षण करता है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, चौड़ाई कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस टायर के ऊपर दोस्तों जो मतलब कि डिजाइन बनी होती है, जैसे एक तो इस प्रकार से होता है, एक इस प्रकार से बनी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ब्लॉक बने हैं इन्हें दोस्तों ब्लॉक कहा जाता है, रबड़ के ब्लॉक कहा जाता है। अब आप कहोगे थ्रेड किसे कहते हैं, एक थ्रेड बहुत अच्छा शब्द है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लोग सोचते हैं कि ये रबड़ के गुटके हैं ये थ्रेड होता है, ये थ्रेड नहीं होती है दोस्तों। थ्रेड होती है इनके जो ये मतलब कि ये लाइनें जो दिख रही है इनके कारण दोस्तों, ये मतलब कि इन जो दरारें हैं ये दरारें ही थ्रेड कहलाती है। और ये थ्रेड हम कहते हैं कि भी थ्रेड की ऊंचाई होती है जो कि भी mm में होती है दोस्तों। अब हम एक प्रश्न और पूछ लें कि भी टायर का घिसाव कितना हो चुका है, हम कैसे देखेंगे, तो हम कहेंगे कि ब्लॉक की घिसावट या जो थ्रेड की जो ऊंचाई है उसको नाप कर दोस्तों हम क्या करेंगे, टायर की घिसावट को नापेंगे कि भी जो थ्रेड है इसकी अब पहले नए टायर की ऊंचाई कितनी थी और अब इसकी ऊंचाई है वो कितनी है। तो उसके आधार पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम टायर का जो घिसाव वो देख सकते हैं। तो आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि टायर का जो घिसाव है वो किसके माध्यम से देखा जा सकता है, थ्रेड की ऊंचाई को नापकर। वो थ्रेड की ऊंचाई हमेशा mm में मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान में है वो दोस्तों रखना है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 3 है, 185/65% टायर की हाइट है। यहाँ पर दोस्तों 185/65 है, इसका मतलब क्या है, 185 तो दोस्तों क्या हो गया आपका चौड़ाई होगी मतलब कि विड्थ हो गई, 65 है मतलब कि ये होता है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो किसे कहते हैं, यानी कि आपकी दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई कितनी 185 है, तो इस 185 का 65% भाग है वो दोस्तों टायर की एच होगी यानी कि हाइट होगी। अभी हाइट क्या होती है दोस्तों, हाइट के बारे में बता देता हूँ। ये माना कि आपका टायर है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका जो शोल्डर है,
शोल्डर जो कि रिम से टच होता है, रिम से टच तो यहाँ से होता है और यहाँ दोस्तों शोल्डर का किनारा है, तो इन दोनों के बीच में जो टायर की ऊंचाई होती है उसे दोस्तों हाइट कहा जाता है। और ये दोस्तों एस्पेक्ट रेशो के रूप में, मतलब कि जो आपकी चौड़ाई है उसके अनुपात में दर्शाई जाती है। किसके अनुपात में दोस्तों? चौड़ाई के अनुपात में दोस्तों टायर की हाइट को दर्शाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में वो रखना है। अब मैं बात करता हूँ टायर का अंदरूनी डायमीटर 16 इंच होता है। अब ये मैंने अंदरूनी ही क्यों लिया दोस्तों? आप सभी को पता है जो टायर होता है, टायर का दो प्रकार का डायमीटर होता है, एक अंदरूनी डायमीटर होता है, एक और बाहरी डायमीटर होता है। यानी एक तो जो हो गया दोस्तों यहाँ पर जो बाहर होता है, एक तो जो दोस्तों बाहर होता है ये बाहरी डायमीटर होता है, एक होता है अंदर का डायमीटर। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताएं, टायर का अंदरूनी डायमीटर और रिम का बाहरी डायमीटर क्या सेम होगा या अलग होगा? टायर का अंदरूनी और जो आपका रिम है उसका बाहरी, दोस्तों ये सेम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 16 दिखाया गया है मार्किंग में, ये 16 किसको इंडिकेट करता है? यहाँ पर जो आपका टायर है उसका अंदरूनी डायमीटर को है वो शो करता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है, एकदम सिंपल प्रश्न है। मल्टी लेन दायां मोड़ का सही नियम है। नंबर एक ऑप्शन है, मुड़ते समय लेन को अचानक जंप करना बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। दाएं मुड़ने के तीरनुमा निशान बने हो तो पीछे आ रहे यातायात को देखते हुए अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से दाएं ओर मुड़ने वाली लेन में जाना। नंबर 3, दाएं मुड़ने के तीरनुमा निशान बने हो तो पीछे आ रहे यातायात को देखते हुए अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से बाईं ओर मुड़ने वाली लेन में जाना। ठीक है, नंबर 3 बाईं लेन में जाने की बात कर रहा है लेकिन हमें जाना है दायां मोड़। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सी भी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको दाएं अगर मुड़ना है तो आपको समय रहते दाईं मोड़ में मोड़ की ओर है घुमाव ले लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आपके 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 6 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरी बत्ती के बाद में कौन सी लाइट ऑन होती है? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बाद में इसका सही जवाब हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एकदम सिंपल प्रश्न है कि भी हरी बत्ती के बाद में ट्रैफिक लाइट में कौन सी लाइट ऑन होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा पीली बत्ती। क्या हो जाएगा? पीली बत्ती। मैं बता देता हूं दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर दोस्तों जो लाइटें लगी रहती है इसमें दोस्तों सबसे पहले ऊपर रेड होती है, उसके बाद में येलो होती है, सबसे नीचे ग्रीन होती है। तो दोस्तों इनका मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है चलो, ग्रीन का मतलब होता है कि आपको चलना है, येलो का मतलब होता है कि आप रुको रुको या चौराहा खाली करो, चौराहे को है आपको खाली करना होता है, और रेड का मतलब भी होता है कि रुको, रेड का मतलब भी होता है रुको। तो इस प्रकार से 3 तो अर्थ ये हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर रेड बत्ती अगर मतलब कि फ्लेश कर रही है, यानी कि चमक रही है, बंद हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है वो मतलब कि बदल जाता है। रेड अगर दोस्तों लाइट अगर जंप कर रही है या फ्लेश कर रही है तो आपको पहले तो रुकना है, रुकना प्लस चलना दोनों काम करने हैं, पहले रुकना है, रुककर कंडीशन देखनी है और फिर चलना है। लेकिन येलो लाइट अगर फ्लेश कर रही है तो आपको मात्र धीमा होना है, धीमा प्लस चलना। तो इस प्रकार से आपको इस लाइट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है वो याद रखनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा आप सभी को पता है कि उस वाहन को दाहिनी ओर से हम ओवरटेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर कोई मल्टी लेन सड़क है, कोई मल्टी लेन सड़क है दोस्तों, मल्टी लेन सड़क पर दोस्तों एक वाहन जा रहा है यहाँ पर, और ये वाहन दोस्तों यहाँ मुड़ने की ओर इशारा कर देता है या ये मुड़ने की ओर संकेत कर रहा होता है या मुड़ रहा होता है, तो आप इसके पीछे से दोस्तों है वो कहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं? दोस्तों आप इसके बाएं ओर से भी है ओवरटेक है वो कर आगे जा सकते हैं। यानी कि सामने वाला वाहन अगर दाएं मुड़ रहा है तो आप उसके बाएं ओर से हैं वो निकल सकते हैं, इसी बात का आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। बाकी ज़्यादा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लाइट के बारे में आप सब जानते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता होती है। प्रशिक्षु यानी कि होता है लर्निंग लाइसेंस, वो लर्निंग लाइसेंस के दोस्तों सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा में लर्निंग लाइसेंस का उल्लेख किया गया है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब वो प्रेषित करें। सभी स्टूडेंट्स है, सभी को ईमानदारी से आपको इस भर्ती की दोस्तों आपको है वो जो लगती है वो मैं लगाता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखते हैं किसको आता है किसको नहीं आता। आपको बताना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में दोस्तों जो लर्निंग लाइसेंस है इसका उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपने कमेंट कर दिया होगा मैं आशा करता हूँ, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छा के विरुद्ध हम जा नहीं सकते।
तो लर्निंग लाइसेंस की वैधता के बारे में पूछा गया है। जब तक कि वाहन चालक लाइसेंस प्राप्त न हो जाए, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीनों तक के लिए, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 120 दिन के लिए, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिन के लिए। इस प्रकार से मतलब कि यहाँ पर यह है प्रशिक्षु लाइसेंस के बारे में ऑप्शन आए हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीनों के लिए। यहाँ केवल वैधता पूछी है, लेकिन ये पूछ लिए कि भी एक परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए जो है आपका प्रशिक्षु लाइसेंस कब तक वैलिड रहता है, तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा 1 माह से 6 माह के बीच में, क्योंकि आप 1 माह से पहले लाइसेंस के लिए स्थायी आवेदन है वो नहीं कर सकते, आपको 1 माह तो कम से कम रुकना है वो पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों 1 से 6 माह का प्रश्न में ऑप्शन में भी आ जाए तो ध्यान से पढ़कर है जो उसका सही जवाब हो वही उत्तर आपको जवाब में है वो देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा दोस्तों 8 है, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, सॉरी दोस्तों धारा दोस्तों यहाँ पर 8 में वो लर्निंग लाइसेंस के बारे में उल्लेख किया गया है। ज़्यादा लर्निंग लाइसेंस के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देता हूँ लर्निंग लाइसेंस के बारे में, इसको LL में इसको कोड वर्ड मैंने दे रखा है वो दोस्तों, अगर आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं और गाड़ी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप आवेदन है वो अपने निवास स्थान पर कर सकते हैं, कारोबार के स्थान पर, और आप जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ भी आवेदन कर सकते हैं, या जहाँ पर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं वहाँ पर भी दोस्तों आप इसका मतलब कि आवेदन फॉर्म है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रशिक्षु यानी कि लर्निंग लाइसेंस है वो आप अगर आपके पास में है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास में एक ऐसा गाड़ी का ड्राइवर होना चाहिए जो कि कम से कम 5 साल का अनुभव रखता हो, और जो गाड़ी आपके पास में है उसका लाइसेंस उसके पास में है वो होना चाहिए। यानी कि जब आप गाड़ी सीख रहे होते हैं तो आपके पास में एक ट्रेनर का होना जरूरी है जिसके मतलब कि कम से कम 5 साल का जो है मतलब कि अनुभव है वो होना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का, ठीक है। तो इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस के बारे में मैं बात करता हूँ, तो लर्निंग लाइसेंस के संबंध में ये है कथन आपका, सॉरी जो आपका फॉर्म नंबर 2 और 3 है, इन दोनों को याद रखना है। फॉर्म नंबर 2 में लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरा जाता है, 3 में दोस्तों जारी किया जाता है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्म है आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर मैं एंड करता हूँ, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है दोस्तों, अगर क्लास को पढ़ने पर मजा आया है तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर भेजेंगे, आपके पास में जितने भी ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप है उस ग्रुप में भी दोस्तों इसको भेजोगे। मैं इस वीडियो को आज ग्रुप में नहीं भेजूँगा, देखते हैं कि आप लोग कितने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, अगर आप DP ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है, अगर वो नहीं किया तो दोस्तों आपकी तैयारी जरूर अधूरी रहेगी। मैं फिर से वादा करता हूँ, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो दोस्तों आपकी तैयारी है, इसमें 4 चांद लग जाएंगे। वहाँ पर हम डेली फ्री क्विज देते हैं, वो लेटेस्ट अपडेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे दोस्तों टेलीग्राम पर है वो डाले जाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने DP पुलिस का कोर्स अभी तक आपने नहीं लिया तो ले सकते हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कंप्लीट सिलेबस बुक भी दोस्तों स्टडी एट होम पे मौजूद है, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और 100 टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं। दोस्तों हमने कोर्स के अंदर एक चीज़ और दे दी है जो डेली टेस्ट है, डेली टेस्ट दोस्तों आप कोर्स के साथ साथ अलग से भी ले सकते हैं, जो कोर्स नहीं लेना चाहते वो केवल डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुल टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बुक भी अलग से ले सकते हैं, पुराने पेपर भी अलग से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आज के टॉप 8 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, और इन 8 क्वेश्चन से आपको कितनी जानकारी मिली है वो तो आप ही बता सकते हैं। आप अपना सुझाव मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से व्हाट्सअप पर मैसेज करके या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।